नमस्कार सभी किसान भाइयों का हमारे अपने डॉक्टर्स माइंड यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कल्टर कितना डाले इसका पूरा जानकारी लेने वाले हैं। आपको शायद पता होगा कि ये जो कल्टर है ये आम की जो खेती की जाती है उसमें डाला जाता है, और मार्केट में आम जल्दी लाने के लिए इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। इसका जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे आम बाकी किसान भाइयों के कंपैरिजन में जल्दी मार्केट में आ जाते हैं, और उसका रेट जो रहता है उस टाइम वो दुगना और 3 times 4 times ज़्यादा रेट हमें जल्दी आम मार्केट में आने की वजह से मिलता है। तो नो डाउट हमें ज़्यादा प्रॉफिट किसान भाइयों को उससे मिलता है, इसलिए ज़्यादातर किसान भाई जो रहते हैं वो कल्टर का इस्तेमाल करते हैं, और आजकल उसका इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और वो कितना डालना है, कैसे डालना है, अगर पेड़ बड़ा है तो उस बड़े पेड़ को कितनी मात्रा में कल्टर डालना है, वो डोज कैसा कैलकुलेट करना है, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो शुरू से एंड तक पूरा का पूरा वीडियो देखना है, थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी, कुछ तो मिस हो जाएगा। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, उसके साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करना, ताकि जब कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड खेती के संबंधी जो भी वीडियो बन जाएगा उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल जाएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं आज का इस वीडियो, कल्टर कितना डालें। किसान भाइयों, बहुत सारे राज्यों में हमारे इस देश में आम की खेती की जाती है, बहुत सारे किसान भाइयों के आम के ऑर्चर्ड्स है, और जनरली हम देखते हैं तो मई जून जुलाई में ये सब आम के फल जो रहते हैं वो मार्केट में हमें दिखाई देते हैं। लेकिन महाराष्ट्र राज्य में कोंकण रीजन है, और कोंकण रीजन में सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और यहाँ का आम जो है स्पेशली अल्फांसो हापुस वो बहुत फेमस है, और वो जनवरी से शुरू होता है, जनवरी फरवरी से जनरली वो उसका प्रोडक्शन शुरू होता है, वो मार्केट में हमें दिखाई देता है। तो उस टाइम जब आम मार्केट में आता है, आम का फल मार्केट में आता है, तो उसका रेट भी उसी तरह से रहता है। तो ये जो किसान भाई है वो कैसे मार्केट में इतना जल्दी लाते हैं, तो उसी प्रकार हम भी हमारा जो आम का फल है हम फरवरी मार्च अप्रैल में मार्केट में ला सकते हैं। मई मिड ऑफ द मई 15 मई के बाद बारिश के दिन, बारिश का माहौल रहता है, साइक्लोन्स आते हैं तो नुकसान की भी संभावना रहती है, एक रीज़न है। और 15 मई से पहले जो भी जितना भी आम मार्केट में आता है उसको अच्छा तरह का अच्छा से अच्छा रेट मिलता है, और उसका डैमेज जो रहता है साइक्लोन का डैमेज या बारिश का डैमेज वो उसे नहीं पहुंच पाता है। इसलिए ये कल्टर अगर हम डालते हैं तो हम भी मार्च में अप्रैल में हमारे जो आम के फ्रूट है, फल है, हम वो मार्केट में ला सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या विधि है, ये कल्टर का डोज जो है वो कैसा कैलकुलेट करना है और कैसा डालना है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अभी आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे एक आम का पेड़ है, तो ये जो आम का पेड़ है इसका विस्तार आप देखिए, और ये जो येलो कलर के दो लाइन है, एक पूरब से लेके पश्चिम दिशा की ओर है और एक दक्षिण से लेके उत्तर तक है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। तो जितना भी विस्तार है यानी कि जितना भी इसका व्यास है वो व्यास हमें नापना है पूरब से लेके पश्चिम तक और दक्षिण से लेके उत्तर तक, ताकि उसका एवरेज जो डायमीटर है, एवरेज जो व्यास है वो हम निकाल सके। तो इस तरह से हमें जितना भी ब्रांचेस उसका ब्रांचेस ने उसका एरिया कवर किया है वो हमें क्रॉस डायरेक्शन में लेना है, पूरब से लेके पश्चिम तक, दक्षिण से लेके उत्तर तक, और उसके बाद ये जो व्यास है उसका एवरेज व्यास निकालना है, पूरब पश्चिम दिशा का जो व्यास है वो
प्लस दक्षिण उत्तर दिशा का व्यास है उनका समेशन करना है और उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो उसके बाद हमें एवरेज व्यास मिलेगा। अभी एवरेज व्यास अगर 1 मीटर मिलता है वो कैसे, पूरब से पश्चिम सपोज 2.5 मीटर है और दक्षिण से उत्तर 0.5 मीटर है, पूरब से पश्चिम से लेके 1 मीटर है और दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर का व्यास 1 मीटर है, तो 1+1 2 हो गया, उसको डिवाइडेड बाय हमें 2 करना है, तो हमें 1 मीटर व्यास आएगा, हमें जो डायमीटर है वो 1 मीटर का मिलेगा। अभी कल्टर की आवश्यक मात्रा उसको कितनी डालनी है, तो प्रति मीटर 3 ml, अगर 1 मीटर व्यास आता है तो उसको 3 ml हम कल्टर डालने वाले हैं। तो नीचे दिया हुआ है सरासरी व्यास जो है, एवरेज व्यास जो है, एवरेज व्यास इंटू 3 ml, 3 ml से उसे मल्टीप्लाई करना है। सपोज पूरब से लेके पश्चिम तक का जो डायमीटर है वो सपोज 4 मीटर है और दक्षिण से उत्तर तक का डायमीटर है वो 3 मीटर है, तो 4+3 7 हो गया, 7 ÷ 2 3.5 हो गया, तो 3.5 एवरेज व्यास इंटू 3 कितना होता है, 10.5 होता है। तो 10.5 ml कल्टर हम उस पेड़ को अप्लाई करेंगे, 2 से 5 लीटर पानी में वो लेके अच्छी तरह से पानी में मिला के, वो पानी आप रिंग मेथड जो फर्टिलाइजर के लिए हम रिंग मेथड अप्लाई करते हैं उसी तरह का 1 से 1.5 फुट दूरी पे या 2 फुट दूरी पे पेड़ का हमें क्या देखना है, डायमीटर कितना है। अभी हमने देखा एवरेज डायमीटर 3.5 मीटर है, तो 1 से 2 मीटर की दूरी पे मेन स्टेम से हमें रिंग निकलना है और उस रिंग में ये कल्टर की मात्रा जो है पानी के साथ उस रिंग में डालनी है, या जिस जगह पे, कुछ जगह पे पॉसिबल नहीं होता है रिंग मेथड का, तो पहाड़ लेके पहाड़ी से या पिकेक्स से हम इक्वल डिस्टेंस पे चारों दिशाओं की ओर चाहे 4 या 8 गड्ढे निकाल के उस सभी 4 या 8 गड्ढे में थोड़ा थोड़ा वो पानी में मिक्स किया हुआ कल्टर, हम वो कल्टर की मात्रा है वो अगर हम डालते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। अब 1 कप डालनी है, तो जनरली जब बारिश कम होता है, जून जुलाई में बारिश बहुत रहता है, तेज बारिश रहता है, तो उस वक्त हमें ये डालना नहीं है, अगस्त में 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त या 30 अगस्त तक भी हम ये डाल सकते हैं। अगर 1 अगस्त को हम एक कल्टर डालते हैं तो उसके 3 मंथ बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर तो नवंबर में फ्लावरिंग होगा, अगर 30 अगस्त को हम डालेंगे तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में उस पेड़ को फ्लावरिंग होगा। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, अगर हम कल्टर डालते हैं और जाड़े के दिन शुरू होते हैं कब, अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर में ठंड पड़ने लगती है, तो वो टेम्परेचर जो है 15-20 degrees के दरमियान उस रेंज में वो टेम्परेचर चाहिए, तो वो कंजीनियल एनवायरनमेंट जो है, फेवरेबल एनवायरनमेंट अगर उस टाइम क्रिएट होता है तब भी फ्लावरिंग होगा। अगर टेम्परेचर नहीं है, कल्टर हमने अप्लाई किया है तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस टाइम तो फ्लावरिंग नहीं निकलेगा। तो ऑन एन एवरेज हम जब भी कल्टर अप्लाई करते हैं उसके 3 मंथ बाद अगर फेवरेबल कंडीशन, नेचुरल कंडीशन क्रिएट होती है, ठंड पड़ने लगती है, तभी उसमें फ्लावरिंग आने वाला है, और फ्लावरिंग के बाद ऑन एन एवरेज 120 से लेके 130-135 days, मीन्स 4 मंथ या 4.5 मंथ आम को पूरा तैयार होने में लगते हैं। नवंबर में अगर फ्लावरिंग होता है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वो मार्च के 1st week में आम हम मार्केट में ला सकते हैं। तो इस तरह का कुछ कैलकुलेशन है, उस हिसाब से अगस्त मंथ में बारिश की जो इंटेंसिटी है वो देख के हमें कल्टर का एप्लीकेशन करना है। अब यहाँ कल्टर अगर ज़्यादा होता है तो क्या हो जाएगा और अगर कम गिरता है तो क्या हो जाएगा, अगर कम गिरेगा कल्टर तो हमारा पर्पज़ जो है वो साध्य नहीं होगा, हमारा पर्पज़ है फ्लावरिंग जल्दी हो जाए और ताकि हम मार्केट में हमारा हम जल्दी ला सके, तो वो पर्पज़ जो है, टारगेट जो है वो साध्य नहीं होगा। और ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा डालने से हमारा कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा,
ऑपरेशन का कॉस्ट ऑफ जो है एप्लीकेशन का वो कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि कल्टर का रेट जो है ऑन एन एवरेज 4000 से लेके 4000 है। तो इसीलिए इसमें जैसा बताया है उस तरह से इसका पहले डोज कैलकुलेट करना है और उसका एप्लीकेशन करना है। अभी एक बात और यहाँ ध्यान में हमें रखना है, मार्केट में 2000 से लेके 6000 7000 तक रेट है पर लीटर के कल्टर के। तो मेरा यही कहना है, मैं कोई किसी कंपनी का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन अच्छी मल्टीनेशनल और ब्रांडेड कंपनी का ही कल्टर ले ले, 1500 2000 2500 इस रेंज वाला जो कल्टर है वो ब्रांडेड होना है, तभी हमें अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह आप भी अपने आम के पेड़ों को कल्टर डाल के जल्दी से जल्दी मार्केट में आम ला सकते हैं। तो ये कल्टर जो है किसान भाइयों, ये अप्लाई करने के बाद जो भी वेजिटेटिव ग्रोथ है वो स्टॉप होती है, और वेजिटेटिव फ्लश जो निकलने वाला होता है, आने वाला होता है आम के पेड़ में, साधारण तौर पे सितंबर अक्टूबर में जो दशहरे के पीरियड में जो वेजिटेटिव फ्लश आने वाला होता है, तो उसको स्टॉप करके उसकी जगह ये फ्लावर्स फ्लावरिंग हो जाता है, और फ्लावरिंग के बाद फ्रूटिंग होके हम हमारा आम का पेड़ हमें जल्दी नॉर्मल कंडीशन से पहले आम का प्रोडक्शन देता है। तो इस तरह आप भी आपके आम के पेड़ों को कल्टर डाल के आम जो है जल्दी मार्केट में ला सकते हैं और ज़्यादा रेट पा सकते हैं। लेकिन कल्टर अप्लाई करते वक्त एक बात सभी किसान भाइयों को दिमाग में रखना है कि हम पूरी तरह से हमारे जो पेड़ है आम के उनको फर्टिलाइज़र डाला है या नहीं, FYM डाला है या नहीं, क्योंकि कल्टर के बाद वो पेड़ का पूरा एग्जर्शन होता है, बहुत सारे फ्रूट्स भी हमें मिलते हैं, लेकिन बाद में उस पेड़ की कंडीशन बिगड़ सकती है अगर आपने उसको ज़रूरत के अनुसार फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, FYM नहीं डाला है। तो इसलिए सबसे पहले फर्टिलाइज़र जो है, खाद है, उर्वरक की मात्रा उस पेड़ को पूरी तरह से हमें देनी है, FYM देना है, ग्रीन मैन्यूरिंग भी आप दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, और उसके बाद ही कल्टर का इस्तेमाल करना है। नहीं तो जो आपके पेड़ों का लाइफ है, आपके ऑर्चर्ड का लाइफ है, वो जल्दी से कम हो जाएगा। तो यही एक प्रिकॉशन आपको लेनी है। किसान भाइयों, आशा करता हूँ आपको वीडियो में बताई हुई बातें सभी समझ में आई होगी। अगर उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ शंका है, कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आपका जो डाउट है वो पूछ सकते हैं, उसको सॉल्व करने का हमारी तरफ से 101% हम ट्राई करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करने और शेयर जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों से शेयर करना। धन्यवाद।